हे गाइस, हेलो एवरीवन। सो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो कि सबवे का सब खाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। बट हम अगर हमें इतना पसंद है, बट हम रोज़ सबवे के सब को नहीं खा सकते हैं, एज़ यू नो वेरी वेल, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना सेहत के लिए गलत होता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका लाया हूँ जो हम घर पर बना सकते हैं सबको ईजीली। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे आज हम। सबसे पहले मस्टर्ड सॉस, आइलैंड ड्रेसिंग सॉस, बारबेक्यू सॉस, वेज मेयोनीज जो कि मिंट फ्लेवर की हैं, साथ में रेड चिली सॉस। अब आप सोच रहे होंगे सॉसेस क्यों हैं, मैं बता दूंगा अभी। ये है सब, और साथ में जलापेनोज, और जो कि है या स्लाइस जलापेनो पेपर्स एंड ऑलिव। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने देखी हैं, ये सब आपको इजीली अपने घर के नियर बाय किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आपको वहाँ जाना है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें लगती हैं, सबसे बेसिक वो है वेजिटेबल्स, प्याज, जो भी मतलब वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहें वो। उसके बाद है सारी सॉसेस जो कि मेन होनी चाहिए, जो मैंने बताई, रेड चिली, मिंट मेयोनीज, बारबेक्यू सॉस, और देयर लॉट ऑफ सॉसेस जो आपको अपनी पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में दो सब जो आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे स्टफिंग के लिए, दैट्स इट। तो सबसे पहले सारी सब्जियों को काट के उनको मिक्सअप कर लेंगे ताकि स्टफिंग ईजीली हम कर सकें सबके अंदर। तो फाइनली हम सब बनाने जा रहे हैं सबको। बीच में से उसके पहले हमने स्टफिंग करी सब्जियों की, फिर हमने चीज़ डाला, अब हम सॉसेज डाल रहे हैं करके उसके ऊपर। सारी चॉपिंग करके हमने उसको डाला, और दूसरे दिन जो हमने सब्जियाँ डाली उसको हमने काट के पीसेस में छोटे छोटे करे, क्योंकि बहुत छोटा होता है, जिससे बाहर ना निकले, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सॉसेस भी इस तरीके से, वेजिटेबल्स इस तरीके से इसमें डालो कि वो सब बाहर ना निकले, और लिमिट के साथ आप चाहे इसमें पनीर भी डालें, आलू भी डालें, सोयाबीन कुछ भी डालें जो आपको पसंद हो। तो आप देख सकते हैं हम सॉसेस डाल रहे हैं एक एक करके। सबसे नीचे स्लाइस है, चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, उसके ऊपर सॉसेस जल रही हैं, और ये सॉसेस बहुत टाइम लगा रही है निकलने में डब्बे में से, पता नहीं क्यों। बट हम इसको थोड़ा मैशअप कर देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि वो थोड़ा ओके ओके हो जाए। और अब इसके ऊपर फाइनली हम एक डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, थोड़ी सी बंद गोभी एंड प्याज, ताकि वो थोड़ा सा ये ना कैप्सिकम अच्छा सा लुक आए, और लुक दिखाने के लिए उसके बाद स्टफिंग करके आप पलट दीजिए। हाँ, इफ़ यू वांट तो आप फ्राई भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे ना ही करना, बट मैं कर रहा हूँ फॉर माय टेस्ट। और ये फाइनली स्टफिंग के बाद हमने इसके ऊपर ढक दिया, थोड़ा सा इसको हमने हल्का सा रोस्ट बस बस कर रहा था। एंड हियर इट इज आवर होममेड सबवे व्हिच इज़ वेरी बजट फ्री। नाउ टेक अ लुक।